सो हेलो गाइस, मृत्युंजय सोनी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं क्रिकेट एनकाउंटर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, T20 वर्ल्ड कप 2021 तो भारतीय टीम के लिए बहुत निराशाजनक रहा था। दो बड़े मैचों में जो है भारतीय टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई थी, प्लेयर्स भी जो है फ्लॉप चले गए थे। लेकिन अगला टारगेट जो है भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप 2022 का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेला जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि भारतीय टीम किस तरह के स्क्वाड के साथ उतरने वाली है, कौन से यंग प्लेयर को जो है मौका मिलने वाला है, कौन बाहर बैठने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पूरे 15 मेंबर का स्क्वाड देखने वाले हैं भारतीय टीम का, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि 95% कंफर्म स्क्वाड बताने वाले हो आज के इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और थोड़ी डिटेल बता देता हूं मैं आपको T20 वर्ल्ड कप 2022 की भारतीय टीम के स्क्वाड से पहले। तो 16 अक्टूबर को जो है T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत होने वाली है, जो कि 13 नवंबर तक चलेगा और 6-7 वेन्यूज पर होने वाला है। पर्थ, ब्रिस्बेन, गिलोंग, होबार्ट, एडिलेड, सिडनी और मेलबोर्न। और ऑटोमेटिक क्वालिफायर जो है टीम वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आप पूरी डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि किस तरह की स्क्वाड रहने वाली टीम इंडिया की 2022 के T20 वर्ल्ड कप के। तो सबसे पहले हम बैट्समैन से शुरुआत करने वाले, तो बैट्समैन में सबसे पहले बैट्समैन रहने वाले कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीद है 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कि इंडिया को जो है जितवा दे, और रोहित शर्मा से मतलब उम्मीद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है रोहित शर्मा अच्छे कप्तान हो सकते हैं भारतीय T20 क्रिकेट के। आपके हिसाब से होंगे कि नहीं कमेंट में बताइए। अगले बैट्समैन जो कि है विराट कोहली। विराट कोहली ना तो वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के और ना ही कैप्टन है, आप सभी को पता है। और मेरे हिसाब से जो है विराट कोहली के ऊपर से जो है कप्तानी का प्रेशर हट गया है, तो मेरे हिसाब से अच्छे लय में खेल सकते हैं विराट कोहली और अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं, उम्मीद तो यही करते हैं हम। तीसरे बैट्समैन जो कि है केएल राहुल। केएल राहुल भी मतलब रहने वाले हैं इंडिया की स्क्वाड में और वाइस कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं केएल राहुल मेरे हिसाब से, और इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप 2022 में। चौथा खिलाड़ी जो कि है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छे बैट्समैन है टीम इंडिया के और ये भी जो है स्क्वाड में रहने वाले हैं। पांचवें बैट्समैन ईशान किशन है। ईशान किशन के पास भी बहुत अच्छा टैलेंट हो गया है अब T20I फॉर्मेट में, अच्छी अच्छी पारियां खेल लेते हैं। छठवें बैट्समैन है जो कि ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिलने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, आपने IPL में देखा होगा, मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से जो है इनको भी लेने वाली है टीम इंडिया। सातवें बैट्समैन है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऐसा विकेट कीपर खेलने वाले हैं टीम इंडिया में और ऐसा फिनिशर खेलने वाले बोल सकते हो आप, और ऋषभ पंत भी जो है स्क्वाड में रहने वाले हैं नो डाउट। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर कौन से रहने वाले, तो तीन ऑलराउंडर के साथ उतरने वाली है भारतीय टीम, जो कि रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा भी बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट संभाल दे देते टीम इंडिया को और अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। और हार्दिक पांड्या भी रहने वाले, हालांकि इनकी फॉर्म तो नहीं है ये वापस, लेकिन हार्दिक पांड्या वापसी कर लेंगे मेरे हिसाब से, थोड़ी इंजरी के कारण जो है इनको इशू है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है। और आर अश्विन भी रहने वाले, रविचंद्रन अश्विन का तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया, T20I कमबैक बहुत अच्छा हुआ उनका, तो मेरे हिसाब से जो है ये तीन ऑलराउंडर के साथ जो है भारतीय टीम उतरने वाली है। अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, तो गेंदबाजी में सबसे पहले नंबर पर राहुल चहर रहने वाले एज ए स्पिनर। राहुल चहर के पास भी अगर फॉर्म आ गई वो वाली, तो बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार रहने वाले मेन गेंदबाज है और इनकी जो लय है वो वापस आ गई है, आपने सीरीजों में देखा होगा टीम इंडिया के। और मोहम्मद शमी भी रहने वाले टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज है, मोहम्मद शमी भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह सबसे मेन गेंदबाज है टीम इंडिया के और ये भी रहने वाले स्क्वाड में नो डाउट। और आवेश खान की एंट्री हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आवेश खान भी बहुत अच्छे गेंदबाजी है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनके पास डेप्थ है, यॉर्कर है, बाउंस है, सब कुछ है इनके पास और अच्छी गति की गेंदबाज डाल लेते हैं, तो आवेश खान भी रहने वाले। तो ये 15 मेंबर का जो स्क्वाड रहने वाला है टीम इंडिया का आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो गाइस, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्क्वाड दिख रहा है टीम इंडिया का मेरे को, और आपको कैसा लगा मेरा स्क्वाड कॉमेंट में बताइए। और इसी स्क्वाड के साथ जो है टीम इंडिया उतरने वाली है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में। और स्टैंड बाय प्लेयर में जो है चार खिलाड़ी रह सकते हैं, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। तो इस तरह के स्क्वाड के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में उतरने वाली है, मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बताया आपको, तो कमेंट में आपका स्क्वाड बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।